नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे 1 दिसंबर बुधवार की शाम 6:35 पर आपको 3 बड़ी कामयाबी मिलेगी। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी से आप झूम उठोगे। अभी देख लो वरना बाद में पछताओगे। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आज यह बात करेंगे आने वाले 24 घंटे में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से उपाय करने हैं जो कि आज का दिन खास और बेहतर बना जा सके। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि भगवान श्री गणेश जी का सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी का जयकारा अवश्य लगा दें। भगवान श्री गणेश जी आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में हम यह बात करेंगे कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और कौन कौन से नुकसान होंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तारीख है 1 दिसंबर 2021, दिन है बुधवार और मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि यह रहेगा रात्रि के 11:35 तक। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नामक नक्षत्र रहेगा और योग की बात करें तो सौभाग्य नामक योग रहेगा। चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगा कन्या राशि में सुबह के 7:45 तक। इसके उपरांत तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का शुभ समय यानी आज के डेट में किसी भी प्रकार की शुभ समय नहीं है। आज का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:35 से 1:35 तक। यह समय में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यों को करने से बचेगा क्योंकि समय यह शुभ नहीं है। चलिए बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल। यह समय अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बन रही है। आपको जीत मिलेगी, आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके उपरांत यह समय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। आपको एक दूसरे का आज सहयोग मिलेगा और अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप किसी एक्सपर्ट व्यक्ति या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्ग दादा दादी माता पिता का राय मशवरा सलाह आप जरूर लें, आपको सफलता मिलेगी। नेगेटिव की अगर बात करें तो यह समय भावुकता में आकर आप अपना नुकसान कर सकती हैं, इसलिए दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें। बच्चों की गतिविधि पर कड़ी नज़र रखें और उनके द्वारा किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। आज किसी को उधार ना ही दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वापसी संभव बहुत कम है। व्यवसाय की बात करें तो यह समय व्यवसायिक गतिविधियों में पैसों का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक आज आपको करना चाहिए, अन्यथा पैसा आपका डूबेगा और परेशानी आपके लिए खड़ी होगी। बेवकूफ बनाकर पैसा आज आपसे कोई ठग सकता है, इसलिए आज पैसों का लेन देन किसी पर भी भरोसा करके ना करें, अन्यथा दिक्कत होगा। धोखा होने की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। इसके उपरांत यह समय नौकरी पैसा लोगों को ऑफिस की तरफ से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। लव लाइफ की बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और एक दूसरे के साथ मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा। किसी पुराने मित्र से अचानक ही मुलाकात हो सकती है जो कि आश्चर्यजनक रहेगी। सेहत को लेकर बात करें तो यह समय वर्तमान मौसम की वजह से कुछ शारीरिक परेशानियां रहेंगे, लापरवाही ना बरतें। छोटी सी परेशानी हो फिर भी आप उसका नज़रअंदाज ना करें, उचित इलाज अवश्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं फायदे और नुकसान की। देखिए, आप अपनी योग्यता के बल पर सम्मान प्राप्त करेंगे और विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम भी मिलने से सुकून प्राप्त होगा।
दोस्तों या रिश्तेदारों का आपके कार्यों में मेन मेख निकालना आपसी संबंधों में कुछ दूरी ला सकता है। युवाओं को कैरियर संबंधित योजनाओं को कार्य रूप देने का समय आ गया है। उपाय की अगर बात करें तो किसी मंदिर में सफाई के लिए झाड़ू का दान करें। आज आपका शुभ रंग सफ़ेद कलर है। भाग्यशाली अंक आज आपका 9 है।